ओ तुम पे प्यार आया, प्यार आया। मुझे लगता है आप भी चौंक गए होंगे शाहरुख खान को बना बना देख उनकी अपकमिंग मूवी जीरो के फर्स्ट टीजर में। हेलो एंड वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ माय मैजेस्टिक वर्ल्ड MTR मूवीज ट्रेलर रिव्यूज। अगर शाहरुख खान की रीसेंट फिल्मों को छोड़ दिया जाए तो शाहरुख खान दिलवाले तक ऑलमोस्ट एक जैसे रोल ही करते आ रहे हैं, जहां कुछ ऐसे एक्टर्स भी हैं जो एक फिल्म के रोल के हिट हो जाने के बाद सेम टाइप के रोल सालों साल लगातार कर रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे एक्टर्स भी हैं जो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने में बिलीव करते हैं। जस्ट लाइक आमिर खान, वो चॉकलेटी फेस के साथ खेतों में तुनतुना बजाना अब पुराना हो चुका है। आजकल की ऑडियंस सिर्फ इतने से खुश नहीं होती, आजकल की ऑडियंस को चाहिए ऐसा स्टार जो अपने रोल में 100% टैलेंट डालकर उनको एंटरटेन कर पाए। वही स्टार आजकल की ऑडियंस के लिए रियल स्टार है। टीजर देखने से लग जाता है कि शाहरुख खान इस बार कुछ अलग करने के लिए निकल पड़े हैं, जो लोगों को खासकर उनके फैंस को पसंद आएगा और साथ में सरप्राइज भी करेगा। और बेशक बॉलीवुड के रोमांस किंग होने की वजह से शाहरुख के लिए ये रोल जरा चैलेंजिंग भी रहेगा। साल की शुरुआत में ही आपको साल के एंड तक का वेट करने के लिए मजबूर कर दिया है आनंद एल राय की मूवी जीरो के फर्स्ट टीजर। जी हाँ, क्योंकि ये मूवी रिलीज हो रही है दिसंबर 2018 में। टीजर शुरू होता है कुछ टाइटल से जो हमें 80s की फिल्मों के नंबरिंग याद दिलाते हैं, जैसे कि आशिक, खोता, मेंटल, कमजर्फ, लीचड़, आवारा, बेहया, छिछोरा, मतलब ही मकबूल चाला। ये सारे नाम फिल्म में शाहरुख के कैरेक्टर को दर्शाते हैं। और साथ में बजता है एक पुराना सॉन्ग, हमको तुम पे प्यार आया। ये ओरिजिनल सॉन्ग है, इसको रीमेक नहीं किया गया है, इसीलिए इस गाने की जोरदार छाप आप इस टीजर के साथ फील कर सकते हैं। जिस तरह ये टीजर एक पुराने गाने से शुरू होता है, उससे लग जाता है कि ये फिल्म कुछ अलग है। कोई फालतू का सस्पेंस ना रखते हुए, कोई किसी पिटी चीज को यूज ना करते हुए, बहुत ही फ्रेश और एंटरटेनिंग तरीके से एंट्री होती है बौने शाहरुख खान की। लुक की बात करें तो फैन मूवी से शाहरुख खान का लुक इंस्पायर्ड है, लेकिन आप और गौर से देखते हैं तो आपका ध्यान उनके कॉस्ट्यूम पर जाता है, जो कि एक नाड़े वाली चड्डी और बनियान में एक पार्टी में एंट्री कर रहे हैं। ये एक जबरदस्त एंट्री है आजकल के टीजर से एकदम हटके, जिसमें हीरो की एंट्री में कोई हाइप क्रिएट नहीं किया गया। इस पूरे टीजर में आप शाहरुख खान को 19 सेकंड के लिए देख सकते हैं, एंड नो डाउट 50 प्लस के होने के बाद भी शाहरुख खान बहुत एनर्जेटिक लग रहे हैं। स्क्रीन पर आते ही अपने चप्पल उछाल देने से शाहरुख खान शुरू में आते हुए टाइटल्स के साथ अच्छे से मैच करते हैं, जैसे कमीना, छिछोरा, लीचड़। इस सॉन्ग के साथ शाहरुख खान का पागलपन से भरा डांस देखकर, अजीब कॉस्ट्यूम और बौने कद के साथ ये तीनों चीजें मिलकर इस टीजर को और भी एंटरटेनिंग येट सरप्राइजिंग बना देती है। ये इस सब्जेक्ट पर बनी पहली फिल्म नहीं है, कमल हसन की अप्पू राजा भी इसी सब्जेक्ट पर बनी हुई एक बहुत ही यादगार फिल्म है, लेकिन इस सब्जेक्ट पर और एक्सपेरिमेंट नहीं किए गए। आजकल बॉलीवुड में VFX का इस्तेमाल इतने जबरदस्त तरीके से हो रहा है कि आप असली और नकली का फर्क भी नहीं कर सकते। टीजर से तो यही लग रहा है कि शाहरुख खान अब कुछ अलग करने की डगर पर निकल चुके हैं। ये डिसीजन काबिले तारीफ है, और इस तरह की फिल्म करने पर डर भी लगता होगा, क्योंकि पता नहीं शाहरुख खान के रोमांटिक इमेज पसंद करने वाले फैंस उनकी इस इमेज को पसंद कर पाएंगे या नहीं। फिर भी अगर शाहरुख खान ने कुछ हटके कुछ अलग करने का कदम उठाया है और सच में वो फिल्म में कुछ अलग करते नजर आ रहे हैं, तो उनको ऑडियंस का प्यार और सपोर्ट जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, इंतजार कीजिए इस फिल्म के अगले टीजर का या इस फिल्म की रिलीज का। इसी के साथ मैं रंजीता जी जॉय विदा लेती हूँ आपसे, फिर मिलूंगी अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।